नमस्कार बच्चों, आज मैं फिजिक्स शुरू करूंगा क्लास 12 के लिए पहले चैप्टर से और वन शॉट प्रयास करूंगा कि जो बोर्ड एग्जाम है आपका आने वाले समय में फरवरी मार्च में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें फिजिक्स में 70/70 आप लाएं। चैप्टर वाइज हम समरी बताएंगे, ये बताएंगे क्लास में कि हम किस प्रकार अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। बोर्ड एग्जाम छोड़िए, हम बेस कैसे बनाए अपने सब्जेक्ट का, ठीक, उसका हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं बताऊं कि पहला चैप्टर है फिजिक्स में विद्युत आवेश और क्षेत्र। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, उस चैप्टर के जो नए शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जब हम रोज पढ़ते हैं ना, कुछ नए शब्द आते हैं, साइंटिफिक भी वर्ड्स होते हैं, उनके में अच्छे से व्याख्या करनी आनी चाहिए। दूसरा मैं महत्वपूर्ण कारक बताऊंगा पढ़ाई होने का कि आप अपने जो फॉर्मूला हैं उनको एक जगह संग्रह कर लें। अब आपने कोर्स पढ़ लिया है पूरे साल, है ना, आज से हम 40 दिन की क्लास शुरू करेंगे, आज पहला दिन है मेरा, और उस 40 दिन में हम आपको पूरी फिजिक्स का रिवीजन कराएंगे वन शॉट चैप्टर वाइज, साथ ही उसमें अनसोल्ड के क्वेश्चन भी डालेंगे। जैसे वैद्युत आवेश है, जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे तो सबसे पहला एक शब्द आएगा वैद्युतशीलता, आपका क्या आएगा, वैद्युतशीलता। अब इस वैद्युतशीलता को मैं पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसी को दोबारा डिस्कस करूँगा कि वैद्युतशीलता किसे कहते हैं, ठीक। अब ये वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, देखिए बच्चों ऐसा होता है, अब कोई भी चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि सहनशीलता किसे कहते हैं, तो सहनशीलता का मतलब ये है कि अगर इसी पेन को मैं अपनी स्किन में अगर गाड़ना शुरू करूँ तो एक स्थिति आएगी कि मैं मना करूँ, विरोध करेगा मेरी स्किन या सपोर्ट करेगी इस चुभने का, विरोध करेगी ना, उस विरोध की माप को ही सहनशीलता कहूँगा मैं। तो वैद्युतशीलता कोई पदार्थ है, उस पदार्थ के भीतर मुझे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है, ठीक, तो वो पदार्थ जिस सीमा तक वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने का विरोध करेगा, उस विरोध की माप को उस पदार्थ की वैद्युतशीलता कहेंगे। बात समझ गए, जब हम किसी चीज को एक बार अच्छे से व्याख्या कर लेते हैं तो हमने समझ लीजिए आने वाले समय की बहुत सी समस्याओं का समाधान कर दिया। जैसे जब आपने चुंबक पढ़ी, भाई आज कोई पहला पीरियड तो है नहीं, जब आपने चुंबक पढ़ी तो चुंबकशीलता आई होगी, तो चुंबकशीलता किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, उस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का वह पदार्थ क्या करेगा, विरोध करेगा, उस विरोध की माप को ही उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहेंगे, ठीक। बात समझ में आ गई, अब देखो कोई पानी है, अब पानी के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करोगे तो पानी की वैद्युतशीलता होगी, है ना। कोई दो पदार्थ हैं जी, एक की वैद्युतशीलता 80 है और एक की वैद्युतशीलता 90 है, इसका क्या मतलब है कि जिसकी वैद्युतशीलता 90 है उसकी वो ज़्यादा विरोध करेगा, यही तो मतलब है। वैद्युतशीलता को आपको याद होगा एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। साथ ही साथ मैं दूसरी बात भी कहूँगा कि परिभाषा समझो, व्याख्या समझो, और जो नियतांक हैं उनके मान भी याद करना शुरू करो, 8.86 × 10^-12, ठीक, सही है जी। वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, वैद्युतशीलता का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद है आपको या नहीं, याद है ना। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, किसे कहते हैं, एक चीज होगी परावैद्युतांक, एक नया शब्द आएगा परावैद्युतांक, ठीक, ये भी एक नया शब्द आएगा परावैद्युतांक, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं, किसे कहते हैं, अनुपात को कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई, यानी अगर किसी माध्यम का परावैद्युतांक 4 है तो इसका क्या मतलब है, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 4 है, मैं क्वेश्चन भी लेता रहूंगा आपके साथ ही, बताइए एक नया क्वेश्चन बन गया ना, किसी माध्यम का परावैद्युतांक 4 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि उस माध्यम के लिए वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता की 4 गुनी है। इसका यह भी अर्थ हो सकता है अगर किसी बात को, अगर कोई ऐसे व्यक्ति को, मेरा मानना यह है अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को समझा सकते हैं जो फिजिक्स नहीं जानता है, उसने कभी जीवन में फिजिक्स नहीं पढ़ी है और वो आपसे पूछ रहा है यार एक जगह लिखा था परावैद्युतांक 4 एक माध्यम का क्या मतलब है, तो उसे कैसे समझाओगे, उसे हम समझाएंगे कि उस माध्यम के अंदर अगर हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, है ना, तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का वो 4 गुना ज्यादा विरोध करेगा, किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना। बात समझ में ही नहीं आई, परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है, परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि एक जैसी संख्याओं का अनुपात है,
बात समझ में आया या नहीं आया? ठीक, अब मैं चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ आगे आपकी, ये करते हैं आगे हम। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कुछ इस चैप्टर में एक सबसे पहला फॉर्मूला आता है, जब तक आप उस फॉर्मूले को ढंग से नहीं पढ़ोगे ना बच्चों, जब तक आप फॉर्मूले को ढंग से नहीं पढ़ोगे आप कभी भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। एक इस चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला है क्यू बराबर एनी, पढ़ा है ना? यहाँ क्यू आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है ना। चलो, धन आवेश का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। धन आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ऋण आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो वो वस्तु ऋण आवेशित होगी, और अगर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो वस्तु, इलेक्ट्रॉन की कमी धनावेश, इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋण आवेश। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा बना होगा? तो 3.2 कूलम जो है ये क्यू की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? ई की वैल्यू। ये रही, एन का मान पूछा है तो एन बराबर क्यू बटे ई। यानी इस फॉर्मूले के ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, तो अगर फॉर्मूला पता होगा तो कोई जरूरत नहीं है ना। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक, आगे अगर मैं चलूंगा इसी प्रकार, तो मैंने देखो मैंने लिखा कूलाम का नियम, आप सबने कूलाम का नियम पढ़ा है ना। मैं ये कहता हूं कि कूलाम का नियम जब लिखेंगे ना तो उससे बात करो, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आप कूलाम का नियम ये है फॉर्मूला, एफ बराबर 1/4πε0k Q1 Q2 / r². ठीक, अब इस कूलाम के नियम को आपने लिख लिया, आप इसे जब इसके न्यूमेरिकल तब कर पाओगे जब इसके बारे में से बात करोगे। छोटे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके ऊपर मैं बताऊं? छोटे न्यूमेरिकल देखो, ये कूलाम का नियम हमेशा दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। याद करो ना परिभाषा क्या थी, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक, यानी एक बात तो पक्की हो गई कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए है, है ना। एक ऐसे आवेश जो बिंदु के रूप में हो, बड़ी वस्तु ना हो, ऐसा नहीं इतना बड़ा पेन इसे आवेशित कर दिया और एक दूसरा पेन लाए उस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। आकर्षण बल कब लगेगा? ये दो आवेश हैं जी, एक Q1 और एक Q2, इन दोनों के बीच, दोनों पर प्लस प्लस आवेश है, तो इनके बीच का बल जो होगा वो प्रतिकर्षण का होगा। कैसा होगा? प्रतिकर्षण मतलब ये आवेश इस आवेश को दूर भेजना चाहेगा और ये आवेश इस आवेश को दूर भेजना चाहेगा, दोनों एक दूसरे दूर जाना चाहेंगे। और अगर दोनों पर ऋणावेश होता तब भी यही होता, यानी एक जैसे आवेश यानी जाने या तो दोनों धनावेश हो या दोनों ऋणावेश हो, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उन्हें कहते हैं सजातीय आवेश। दो सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखो, ये रहा। दो विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखो, ये रहा। विजातीय में क्या होगा, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो उनके बीच बल आकर्षण का होगा। ठीक, अगर ये दो आवेश हैं, जितना बल Q1 Q2 पर लगाएगा उतना ही बल Q2 Q1 पर लगाएगा। बात समझे? अब आप देखो, ये आवेश ज्यादा होंगे तो बल ज्यादा होगा, और आवेश कम होंगे, आवेश का मान कम होगा तो बल कम होगा। अब एक क्वेश्चन आया, सर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन एक दूसरे से 4 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं, कौन? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, उनके बीच की दूरी कुछ भी दे दी, कहा उनके बीच कितना बल लगेगा? जीरो लगेगा। जीरो क्यों लगेगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होता है, और जब न्यूट्रॉन पर आवेश जीरो होगा तो बल जीरो होगा। बात समझे ना, हल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन आ गया समझ में। आगे कहा ये एफ समानुपाती 1/r² है ना, उल्टा है ना, यानी बल पर जो प्रभाव पड़ेगा दूरी के वर्ग का उल्टा प्रभाव पड़ेगा, दूरी के वर्ग का उल्टा। किसी ने कहा दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो मैं बताता हूं, दूरी दुगनी कर दी, दूरी दुगनी करी तो दुगनी का मतलब दुगनी का वर्ग करो और उल्टा कर दो, 1/4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा, जो दूरी पर प्रभाव हुआ उसका वर्ग करो और उसका उल्टा कर दो। दूरी आधी कर दी, आधी का वर्ग
एक बटे चार और उसका दुगुना उल्टा चार, तो दूरी का प्रभाव ऐसे निकल जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। पर बच्चों हमेशा सवाल पढ़ के किया करते हैं। मैंने क्या कहा, कुलाम का नियम कब लगता है? एक क्वेश्चन आता है कुलाम के नियम की सीमाएं लिखो। कुलाम के नियम की पहली सीमा, दोनों आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए। अगर बिंदु आवेश नहीं है तो कुलाम का नियम नहीं लगेगा। दूसरा, कुलाम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10^-15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10^-15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 10^-15 मीटर से कम दूरी है तो जो बिंदु आवेश हैं उनके नाभिकों के बीच एक नाभिकीय बल लगेगा, और दुनिया का सबसे स्ट्रांग बल नाभिकीय बल है, वो कुलाम का बल नहीं लगेगा। नाभिकीय बल ज़्यादा हैवी हो जाएगा और नाभिकीय बल लगने लगेगा, कुलाम का बल उसके सामने खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? अब देखो, मैंने कुलाम के नियम की सारी जन्म पत्र लिखी नहीं लिखी, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। एक अगला एक नया शब्द आएगा वैद्युत द्विध्रुव, वो आपने पढ़ा है। एक वैद्युत द्विध्रुव और आवेश के बीच की दूरी को दुगुनी कर दी, बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक वैद्युत द्विध्रुव और एक बिंदु आवेश के बीच की दूरी दुगुनी कर दी, हाँ भैया 8 गुना हो जाएगा, 1/8 गुना। कारण, क्योंकि ये जो सूत्र है ये तो दो बिंदु आवेशों के बीच बल है। अगर एक वैद्युत द्विध्रुव है और एक आवेश है तो एफ समानुपाती 1/r³ लगेगा। एफ समानुपाती 1/r³ है ना, ये उसके लिए होगा। तो ये पूरी क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलो आगे की बात हम चलते हैं आगे जी। अब आके एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है आपके लिए। 1 माइक्रोकुलाम और 4 माइक्रोकुलाम के एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, उन पर लगने वाले बल का अनुपात ज्ञात करो। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बताया। अब आप बार बार कहते हैं न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, और मैं कहता हूँ न्यूमेरिकल करना थ्योरी से ज़्यादा आसान काम है। हालांकि एक सूत्र पढ़ो, उससे बात करो, उससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आपको करना आसान पड़ेगा। इनके बीच बल का अनुपात पूछा है, यानी ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये इस पर कितना। मैंने क्या कहा था अभी कि दोनों बल एक दोनों आवेश एक दूसरे पर बराबर बल लगाएंगे। हाँ, ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, ये इस पर इधर को बल लगाएगा और ये इस पर इधर को। सजातीय हैं, पर बलों का अनुपात क्या होगा? 1:1 होगा। इसे कोई निकालने कैलकुलेट कहीं से नहीं करेंगे आप, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन, मतलब आप समझ गए, एक एक फॉर्मूला लेते रहो और उस फॉर्मूले पर क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते चले जाएंगे। वायु में, ये वायु क्यों लिखा? वायु इस वजह से लिखा, माध्यम है और वायु का परावर्तितांक होता है 1। 30 सेमी दूरी पर है। देखो एक न्यूमेरिकल के लिए 30 सेमी, सेमी को मीटर बनाएंगे 100 से भाग करके, 30/100 यानी 0.3 मीटर। ये Q1 आवेश है और 3×10^7 ये Q2 है। बल कितना होगा? बल का मान होगा 1/4πε0 k Q1 Q2/r². ये होगा F बराबर, देखो जी 1/4πε0 का मान होता है 9×10^9, K का मान 1, Q1 का मान लगा देंगे Q2 और R का मान कर देंगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, आगे वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? मैंने बताया था क्या होता है, कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात आपको कैलकुलेट करना होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6×10^-19, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 31, और हल करके आ जाएगा 1.76×10^11 कुलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना आपको? आगे चलें, आगे इसमें चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मैंने ये क्यों लिया? देखो बच्चों, अभी मैंने कुलाम के नियम की जन्म पत्री बनाई, अब तीव्रता है, तो तीव्रता से संबंधित जितने चैप्टर में फॉर्मूला हैं उन सबको एक जगह लिख लो। जब उन सबको एक जगह लिखोगे तो उनसे बात करो, अरे कोई मेहमान है फॉर्मूला, जब फॉर्मूला हमारे कोई घर मेहमान आता है हम बात नहीं करते, पानी पियोगे, चाय पियोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, करते ही नहीं करते। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहला फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा होगा, E = F/Q।
या पढ़ा होगा एफ बराबर क्यू ई, पढ़ा होगा ना, है ना। अब आप एक बात तो क्लियर है, देखो पहले तो इसी फॉर्मूले से बात कर लेते हैं, कर लें क्या, चलो। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, किसकी, इस पे मैंने एक आवेश रख लिया, बिंदु आवेश। अगर वो बिंदु आवेश धनात्मक है तो उस पर इतना बल लगेगा एफ बराबर क्यू ई, है ना। और पूरे चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की एक सदिश राशि है, उसकी जो दिशा होगी ना बेटा, वो दिशा धन आवेश अगर है तो उस पर लगने वाले बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और अगर मैं ऋण आवेश यहां रखता हूं, कौन सा आवेश, अगर मैं ऋण आवेश यहां रखता हूं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा उल्टी होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। पहली बात तो यह समझ लो, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए। अगर आवेश का परिमाण ज्यादा है तो बल का मान भी ज्यादा होगा। एक जगह एक प्रोटॉन रखा, उसी जगह अल्फा कण रखा, किस पर बल ज्यादा लगेगा, प्रोटॉन पर या अल्फा कण पर, अल्फा कण पर, क्योंकि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन और आता है, एफ की जगह हम एम में लगा सकते हैं क्या, और ए बराबर एफ बटा एम। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक जगह रखे हैं जी, वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया गया, किसे छोड़ दिया गया, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी, ठीक, छोड़ दिया गया एक जगह। कौन तेज भागेगा, इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा या प्रोटॉन तेज भागेगा, किस पर बल ज्यादा लगेगा, अगर वैद्युत क्षेत्र तो एक ही है। चलो ये वैद्युत क्षेत्र था जी, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और एक प्रोटॉन छोड़ दिया। ऐसी ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं ना, जब ये जब चर्चा मन में लाते हैं क्वेश्चन, किताब के आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बताओ किस पर ज्यादा बल लगेगा, प्रोटॉन पर या इलेक्ट्रॉन पर, दोनों पर बराबर बल लगेगा। क्यों बराबर लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश भी और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी बराबर होते हैं। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का है उतना ही प्रोटॉन का है, और पर इस पर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, तो ये बात पक्की हो गई कि दोनों पर बल बराबर लगेगा। हाँ ये बात जरूर है, प्रोटॉन पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अगर ये क्वेश्चन आया बल किस पर ज्यादा लगेगा तो क्या कहोगे, और ये क्वेश्चन आया किधर को लगेगा, प्रोटॉन पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब बात आई कौन तेज भागेगा, किसका त्वरण ज्यादा होगा, एफ बराबर एम में ए बराबर एफ बटे एम, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका त्वरण ज्यादा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, 9 × 10^-31, और प्रोटॉन का क्या होता है, 1.67 × 10^-27 किलोग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है, 31 माइनस में है 31, तो कौन तेज भागेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बताओ जब हमने इससे बात की तो इसी फॉर्मूले पर कितनी सारी बातें हो गई, हुई या नहीं हुई। इसी प्रकार तीव्रता का कोई एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, तीव्रता का एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, तीव्रता के और भी फॉर्मूले हैं, है ना। अब उन फॉर्मूलों की भी चर्चा करूंगा। देखो एक फॉर्मूला तो तीव्रता का भी बताया, E बराबर F बटे Q। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0kQ/r2। ये किसके कारण है, बिंदु आवेश के कारण, ठीक। यहां भी इससे भी बात करेंगे, तो जब इसके शॉर्ट न्यूमेरिकल आएंगे, आवेश दे दिया, दूरी दे दी, पर उसमें देखना पड़ेगा कि बिंदु आवेश है या नहीं है। बात समझ में आई या नहीं आई, अरे मेरी बात क्लियर हो रही है, शाबाश। अब ये 1/4πε0 का मान होता है, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10^9, के का मान पता नहीं, और क्यू बटे आर स्क्वायर, और के का मान क्या है, अगर निर्वात होगा तो एक लगाएंगे, वायु होगा तो एक लगाएंगे, तो मान लगा देंगे, बात खत्म हो गई, बात क्लियर। मैंने फिर बता दूं, अगर प्लस आवेश है और इस बिंदु पर तीव्रता कैलकुलेट करनी है तो आवेश तो यहां से लेंगे, दूरी ये लेंगे, प्लस के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी, आवेश से दूर।
और अगर ये आवेश माइनस होता और बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, माइनस पर क्या होगी, आवेश की ओर, और मिलाने वाली रेखा पर ही होगी, मिलाने वाली। जैसे ये तो आवेश है और ये बिंदु है, तो इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को प्लस है तो क्या बाहर, और माइनस है तो क्या, पर निशान कहाँ लगाओगे, मिलाने वाली रेखा पर, मिलाने वाली। बोलो बात याद हुई या नहीं हुई, हो गई याद या वैसे ही कह रहे हो, हैं क्लियर है। अब ये बिंदु आवेश के कारण भी बात क्लियर हो गई। चलो अब क्या केवल दो ही फॉर्मूले आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, मैंने देखो बल की बात की, मैंने तीव्रता की बात की, पर तीव्रता अभी अधूरी है। क्यों, हमने अक्षीय स्थिति में तीव्रता और निरक्षीय में तीव्रता भी पढ़ी है, पढ़ी है नहीं पढ़ी है। अब देखो अक्षीय में अक्षीय स्थिति द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता का फॉर्मूला था 1/4πε0k2π/r³3, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और निरक्षीय स्थिति में फॉर्मूला था 1/4πε0k π/r³3। बोलो बात समझे नहीं समझे। अगर सवाल द्विध्रुव की अक्षय स्थिति का आता है निरक्षय का, तो अक्षय और निरक्षय में E समानुपाती 1/r³3, ठीक। यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, E₁/E₂ = R₂³³/R₁³। आप नोट कर लेना, अगर 100 फॉर्मूले से बात कर लेना, पूरे जीवन फिजिक्स कमा के देगी आपको, आपको रोजगार देगी, है ना। आप समझ गए बात या नहीं समझ गए, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलें। इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने दिया है आपके लिए, 1.5×10⁻³ कूलाम आवेश, आवेश को कहीं से Q, 2.25 न्यूटन का बल क्या F, उस बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए, बताओ क्या करोगे, E₁/F, और मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर 5×10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश, बिंदु आवेश ये रहा, बताओ स्मॉल Q बराबर 5×10⁻⁸ कूलाम, कितनी दूरी पर, यानी दूरी ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, और तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर, 450 वोल्ट पर। चलो तीव्रता के दोनों मात्रक याद हो गए, तीव्रता का एक मात्रक न्यूटन पर कूलाम तो इस सूत्र से हो सकता है, और वोल्ट पर मीटर भी इसका होता है। आपको याद है मैंने n बड़ा बनाया, c बड़ा बनाया, v बड़ा बनाया, m छोटा बनाया, क्यों, जब कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर लिखे जाते हैं तो वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पर है, उनके सम्मान में कैपिटल लेटर, कूलाम वैज्ञानिक है, वोल्ट वैज्ञानिक है, मीटर कोई वैज्ञानिक नहीं, बात समझ में आई। जो वैज्ञानिक के नाम पर वो उनके सम्मान देने की दृष्टि से कैपिटल लेटर, और जो वैज्ञानिक के नाम पर नहीं होगा उसका लेटर हम स्मॉल बना सकते हैं। यहां से फॉर्मूला क्या लग सकता है, E₁/4πε0k³r²। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हो गया क्वेश्चन। यानी आज क्या तरीका सीखे, पहले एक सूत्र पढ़ेंगे, उस सूत्र से क्या करेंगे बात करेंगे, फिर उस पर छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो, और बाद में बड़े न्यूमेरिकल भी कराएंगे या आप करेंगे। चलो ये क्वेश्चन सेम, 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को, 0.1 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है, कैसा चालक है, गोलीय ये, और गोलीय चालक को 0.1 मीटर त्रिज्या है उसकी, ये 0.1 मीटर बड़ा आर मान लू, 0.1, कितना आवेश दिया जाए, कितना आवेश क्यू कि चालक के पृष्ठ पर, कहां पर, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। अब आप ये सोचेंगे कि ये बिंदु आवेश तो है नहीं, जब किसी चालक को, जब किसी गोल चालक को हम आवेश करते हैं तो आवेश गोले की सतह पर समान रूप से बढ़ जाता है, और बाह्य बिंदुओं के लिए और सतह के बिंदुओं के लिए वो आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे गोले के केंद्र पर रखा हो, और केंद्र पर बिंदु आवेश रखा हो, इस वजह से यहाँ भी हम बिंदु आवेश का सूत्र ही लगाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, जब हम सवाल करते हैं तो हम ये देखें फॉर्मूला किसके कारण लगेगा। यहाँ द्विध्रुव का सवाल क्यों नहीं लगाया, आप अभी बालक हो, आप इंपॉर्टेंट हो क्या, आप कुछ गांव में गड़बड़ी कर दो, आप कुछ गांव में गड़बड़ी कर दो, मतलब किसी को पीट दो, किसी से झगड़ा कर लो, किसी से झूठ बोल दो, गांव में बात चल जाए तो आपको कोई पूछेगा क्या,
सबसे पहले क्या पूछेगा, अरे किसका आयो, किसका आयो का मतलब क्या, कि किसका लड़का है, उसके दादा कौन है, पिता कौन है, उसका खानदान कौन है। तो इस प्रकार सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट तुम नहीं हो, तुम्हारे माँ बाप हैं। अभी जब तुम बड़े हो जाओगे तुम इंपॉर्टेंट होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुमसे उनसे पूछा जाएगा किसका। तो यानी कहने का मतलब यह है, जब हम फॉर्मूला लगाएं तो हम क्या सोचें, किसका है। तो किसका फॉर्मूला था, बिंदु आवेश के कारण। चलो आगे चलें। देखो जी, आप एक बात नोटिस करो, अभी मेरी बात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पूरी नहीं हुई। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अनंत विस्तार के आवेशित अचालक के समीप, किसके समीप, अचालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अचालक के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता था E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। अब आप देखो एक नया शब्द और आ गया, सिग्मा। सिग्मा कहते हैं पृष्ठ घनत्व को, किसे कहते हैं सिग्मा, पृष्ठ घनत्व को। ये मेरी हथेली है जी, इस हथेली पे वैद्युत क्षेत्र हमने देना शुरू कर दिया, करंट से वैद्युत क्षेत्र देना शुरू कर दिया। तो हथेली के एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर जितना पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जितना आवेश आया, उस आवेश को हम कहेंगे पृष्ठ घनत्व। यानी पृष्ठ घनत्व कहते हैं सिग्मा को, और सिग्मा का मान होता है क्यू बटे ए। इसका मतलब होता है एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उत्पन्न आवेश, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितना आवेश है सिग्मा, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिलहाल अचालक प्लेट अगर लिखने को आता है बेटा, तब तो उसका आंसर होगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के। और अचालक प्लेट की जगह अगर आवेशित चालक प्लेट आता है लिखा हुआ आवेशित, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। याद कर लेना, चालक प्लेट जो होगी, चालक प्लेट का ये प्लस प्लस, एक पृष्ठ प्लस मान लिया हमने, प्लस आवेश दिया, तो उसके दूसरे पृष्ठ पर भी प्लस आवेश आएगा, और इस पृष्ठ के कारण भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, और इस पृष्ठ के कारण भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, और दोनों को जोड़ के ही आएगा। गलत मत कर देना, गलत मत कर देना। यानी कहने का मतलब मेरा यहां यह है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता E समानुपाती 1 बटे r स्क्वायर, किसके कारण, अभी पूरा फॉर्मूला नहीं पता था। और अगर द्विध्रुव के कारण आया, और प्लेट के कारण ये है, प्लेट के कारण दूरी पर निर्भर, दूरी पर निर्भर। अगर कभी क्वेश्चन ये आता है कि निम्न में से किसके कारण, निम्न में से किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती, तो किसके कारण निर्भर नहीं करती, आवेशित प्लेट के कारण, ठीक, बिंदु आवेश के कारण, द्विध्रुव के कारण। और अगर एक तार है, कोई कौन है, कोई तार, तो उस तार की अगर मैं बात करूंगा, मतलब मेरे ख्याल के अब पूरी बात निकल कर आ गई है। अगर बात आवेश के कारण है, बिंदु आवेश के कारण है, तो E समानुपाती 1 बटे r स्क्वायर, द्विध्रुव के कारण है तो E समानुपाती 1 बटे r की घात 3, प्लेट के कारण है तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के या एप्सिलॉन नॉट के, दूरी पर निर्भर नहीं। और एक और है, आवेशित तार है कोई, क्या है कोई, आवेशित तार के कारण फॉर्मूला होता था 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के 2 लैम्डा बटे आर, और लैम्डा कौन है, एकांक लंबाई पर आवेश, किस पर आवेश, एकांक लंबाई पर आवेश। तो सारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जगह आ गई, कोई कंफ्यूजन बचा क्या, तो चैप्टर का नाम था वैद्युत क्षेत्र आवेश। मैंने सारे फॉर्मूले लिखे ना एक जगह, ऐसे ही आप समरी बनाओ, ठीक। एक बड़ा धातु का प्लेट, एक बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे के बहुत निकट और समांतर हैं। प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, उनके पृष्ठ घनत्व के परिमाण ये हैं। बताओ पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, अरे पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, सिग्मा को। तो यह मान काहे का है, सिग्मा का, पृष्ठ घनत्व का मान दे रखा है सिग्मा बराबर 17.7 गुणा 10 की घात -22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्लेटों के बीच, और दोनों विपरीत आवेशित प्लेट हैं, है ना। अब मतलब कहने का मतलब क्या है, अब यहां तुम लगा लो कूलाम का नियम, लगा लो वैद्युत द्विध्रुव का, है क्यों भाई। सबसे पहले क्या बताया, तुम तो इंपोर्टेंट ही नहीं हो, इंपोर्टेंट कौन है,
आप किसके हो? आपसे फैजान जब बात हुई तो आपके पिताजी का नाम मुझे याद रहता है, शायद आदरणीय दिलशाद जी हैं। तो क्यों याद है? क्योंकि जब तुम कुछ पंगा लेते हो कॉलेज में तो मुझे क्या था, उनकी याद आती है। ये इंपॉर्टेंट ही नहीं मेरे लिए, आपसे तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए। आपके जिम्मेदार हैं ना, मैं आपके पिता समान हूँ, आपके पिताजी हैं, हैं वो है ना इम्पोर्टेंट। अब ये देखो, तो ये दो प्लेट हैं, देख रहे हैं, मेरे तेरे पिता का नाम याद नहीं? हाँ, एक अच्छा शिक्षक अपने बच्चों का पूरा परिवार को जानता है, वही अच्छा शिक्षक होता है। तुम लोग तो गड़बड़ करते हो, तुम्हारे किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते तुम ना पढ़ो, वो चाहते हैं कि वो खूब पढ़े और तुम भी। और जो बच्चे 10-10 साल जब बच्चे निकल जाते हैं ना कॉलेज से कई साल बाद, वो बहुत याद करते हैं। आज भी जिसे 10 साल पहले पढ़ाया होगा, 20 साल पहले, 30 साल से पढ़ा रहा हूँ जिसे पहले पढ़ाया होगा, तुम्हारी जितनी उम्र, तुम पैदा भी नहीं हुए जबसे पढ़ा रहे। अब बताओ, ये दो प्लेट हैं जी, इनके बीच में किसी बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। इस प्लेट के कारण कितनी होगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन के, और यही डायरेक्शन होगी ना, क्यों? प्लस है, प्लस के कारण आवेश से दूर। और इसी बिंदु पर इसके कारण कितनी होगी? इसकी ओर। क्यों होगी इसकी ओर? और ये भी इतनी होगी, होगी नहीं होगी? तो दोनों प्लेटें क्या होंगी? ई बराबर E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट के, दोनों में आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के, और के की वैल्यू 1 दे रखी है क्योंकि निर्वात है या वायु है, माध्यम तो है नहीं, माध्यम कुछ है नहीं। सिग्मा की वैल्यू लगा दूंगा ना, 17.7 गुणा -22, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 गुणा -12, कैलकुलेट कर लोगे? हाँ जी, क्या आएगा बेटा? क्यों आएगा 2 गुणा? तो वो कट जाएगा, वो गुणा भाग तो तुम लोग करोगे, मैं थोड़ी करूँ, आप तो अपने आप कर लेना। ठीक, मैंने सोचा मैंने कुछ गलती कर दिया यार, डरा रहे हो मुझे। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर, अब देखो तीव्रता का क्वेश्चन खत्म हो गया ना, अब वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं पता ही होगा, जिसमें दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, एक आवेश कौन है -Q और एक कौन है +Q, यही तो है, बीच की दूरी 2L है, इन दोनों के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? 0। भाई जितना प्लस आवेश है उतना ही माइनस है, तो नेट आवेश 0। वैद्युत द्विध्रुव के दो उदाहरण लिखो, HCl है, NaCl है, HBr है। HCl में क्या होगा? H आयन अलग, Cl आयन अलग, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। H2O हो गया, है ना, दो प्रकार के होते हैं वैद्युत द्विध्रुव भी, है ना, पता है ना? है जी, ध्रुवीय और अध्रुवीय, ध्रुवीय वैद्युत द्विध्रुव और अध्रुवीय। तो वो आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिशा क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव की? -Q से +Q की ओर होती है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फॉर्मूला टो बराबर PE sin थीटा, है ना, टो बराबर PE, और इसे ये भी कह सकते हैं P cross E, वेक्टर P cross, और मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर होता है आघूर्ण का मात्रक, है ना, और अधिकतम बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिखने को आता है मैक्सिमम अधिकतम बल आघूर्ण PE। क्यों होगा? साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। अब देखो इन्हीं के ऊपर 2-4 क्वेश्चन कर लेना, मैं तो करूंगा नहीं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। देखो 10 माइक्रोकुलाम के दो बराबर और विपरीत आवेश, 10 माइक्रोकुलाम है तो Q बराबर 10 × 10⁻⁶ कूलाम, 2 मिमी दूरी पर हैं, आवेशों के बीच की दूरी को R नहीं कहते, आवेशों के बीच की दूरी को 2L कहते हैं। 2 मिमी, 2 मिमी का मतलब है जी, हाँ, तो 1.0 लगाओ, शाबाश, थैंक यू, 1.0 लगा लो। ठीक, अब P बराबर क्या लगाओगे? Q × 2L, और जब फॉर्मूला करोगे इसका मात्रक निकालोगे गुणा करके तो कूलाम मीटर,
और दिशा भी लिख सकते हो, आवेश की द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो सब बातें उसमें लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली रहेगी। देखो जी, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। जल का परावर्तितांक 8 है, परावर्तितांक 8 होने का मतलब क्या है, यहाँ पर जल का परावर्तितांक 8 है, तो परावर्तितांक किसे कहते हैं, के को। अरे किसे कहते हैं, के को, के बराबर 8, एप्सिलॉन बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, एप्सिलॉन नॉट के, बस एप्सिलॉन नॉट पूछा है, इनके बाद लगा लेंगे आ जाएगा आंसर। चले आगे, एक दो न्यूमेरिकल और रहते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा पोर्शन। एक वैद्युत ध्रुव 10^-6 कूलाम आवेश विपरीत प्रकृति के दो आवेशों से मिलकर बना है, यानी बिल्कुल पक्का पता चल गया। जैसे अब किसी बच्चे को ढूंढते हैं ना, कोई बालक कांड कर ले तो, अरे जब पता कर भाई कौन से गांव में कहां पर रहता है, तो जब तक क्लियर ना हो जाओ ना किसका है, न्यूमेरिकल मत करना। श्योर हो गए ना, द्विध्रुव का सवाल है ना, तो ये आवेश हो गया। क्यू बराबर होता हो क्या है, 1×10^-6 कूलाम विपरीत प्रकृति के दो आवेश, आवेशों के बीच की दूरी 2 सेमी है। जब द्विध्रुव का सवाल है तो आवेशों के बीच की दूरी को आर कहेंगे क्या, 2L कहेंगे, 2L बराबर 2 सेमी, 2×10^-2 मीटर, 10^5 न्यूटन पर कूलाम के बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र कौन, ई, कितना, 10^5 न्यूटन पर कूलाम। अधिकतम बल आघूर्ण पूछा, अधिकतम है ना, पहले तो P कैलकुलेट कर लो, P बराबर Q इंटू 2L, और फिर टो मैक्स कैपिटल कर लो, टो मैक्स बराबर P, PE साइन थीटा नहीं लगाने के, कोई दिक्कत, तो बताओ न्यूमेरिकल भारी थोड़ी है, फॉर्मूले याद नहीं करते तुम लोग। चले देखो, मैंने जानबूझ के तीव्रता के एक एक सवाल छोटा छोटा हर एक का ले लिया, कोई अनंत रेखीय आवेश, समझ गए, रेखीय आ गया तो मेरे दिमाग में एकदम बत्ती जलेगी, क्या रेखीय, यानी एक तार होगा उसे आवेश करा होगा, एकांक लंबाई पर आवेश की बात कर रहा है ना। चलो 2 सेमी दूरी पर, तो यहां 12 थोड़ी कहूंगा, मैं 12 क्यों नहीं कहूंगा, मैं तो पहचान गया तार का सवाल है, तो क्या कहूंगा, आर, आर बराबर 2 सेमी, सेमी को मीटर बनाओगे 0.02 मीटर, 9×10^4 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र, 9×10^4 न्यूटन पर कूलाम है जी। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा कहते हैं, क्या कहते हैं, लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे बस, ई बराबर 1/4π ε₀ 2λ/r, ई की वैल्यू 9×10^4, इसकी वैल्यू बस लगा लेंगे ना आप तो अपने आप, मैं करूँगा आगे करोगे तो हो ही बेटा, मैं नहीं करने वाला। अब लैम्डा की वैल्यू क्या लगाओगे, इतना कूलाम पर मीटर, कूलाम पर, बोलो, हाँ जी बोला, भाग तो कर ही लोगे। चलो आगे चलते हैं जी। देखो जी, अब दो सवाल मेरे बचते हैं इस चैप्टर के, उन दो को मैं जानबूझ के करूँगा आपके सामने, संतुलन के सवाल हैं। दो समान बिंदु आवेश क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कैपिटल क्यू आवेश रखा, निकाय संतुलन में है, कैपिटल क्यू का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक, क्या कहा है। चलो एक क्यू बिंदु आवेश है, आपने शाया तो कोई नहीं, पानी कहां से आ गया, अरे यार बड़ा ख्याल रखता। तो क्यू आवेश देखो, दो बिंदु आवेश है, स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, देखो वो अपने आप ही पानी रख गए, तो यो अपने मन की बात है ना, कि उन्होंने सर पढ़ा रहे हैं तो कभी बीच में प्यास लग जाए, फंदा लग जाए, तो पानी रख के चला गया बेचारा, है सेवा भाव है, इसकी कोई कीमत नहीं होती सेवा भाव की। तो दो समान बिंदु आवेश क्यू और क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य पर, तुम नहीं रखते इतनी सेवा भाव हमारे प्रति, तुम तो सोचते हो तो कितने जोर लगाना पड़ता तुम्हें पढ़ाने के लिए यार, है एक मध्य बिंदु पर क्यू आवेश रख दिए जाए, निकाय संतुलन में हो, तब क्यू का मान कितना होगा, किसका मान, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, अच्छे से समझाते हैं दोनों सवालों को, 2 मिनट फालतू ही तो लगेंगे बस, है ना। चलो देखो जी, ये बिंदु A है, इस पर क्यू आवेश रखा है, ये बिंदु B है, इस पर भी क्यू आवेश रखा है, ये भी प्लस और ये भी, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है O, इस पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है।
उसने पूछा इस कैपिटल क्यू का मान कितना हो कि निकाय संतुलन में हो। देखो दो बातें हैं, अगर वो ये कहता कि निकाय संतुलन का मतलब क्या है, निकाय संतुलन का मतलब है इस सिस्टम में तीन आवेश हैं, तीनों आवेशों पर बल जीरो हो, इन पर परिणामी बल जीरो, उस पर परिणामी बल जीरो और उस पर परिणामी बल जीरो, बात समझे। चलो मैं इस आवेश को प्लस मानता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मानता हूं भाई, ओ के कारण, ओ पर जो आवेश रखा है उसके कारण इस बिंदु पर आवेश किधर को होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, पास खिसकेंगे दूर खिसकेंगे, इधर को, यानी इसके कारण अगर बल F1 लगा है तो वो दूर की तरफ लगेगा, मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। चलो ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसके कारण दूर लगेगा। अगर इस बिंदु पर दोनों बल दूर लग रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है इस बल पर परिणामी बल जीरो नहीं होगा, क्योंकि दोनों बल एक तरफ लग रहे हैं। परिणामी बल जीरो कब होगा, जब दोनों बल, दो बल लगे बराबर हों, विपरीत भी हों, अभी तो एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, यानी इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है यहां पर कि यह सिस्टम संतुलन में नहीं हो सकता। ठीक, अगर ये आवेश प्लस में है तो ये जो सिस्टम है ये संतुलन में नहीं हो सकता। मैं अब इस आवेश को माइनस का ले लेता हूं, अब देखो इसके कारण उस पर बल कितना होगा, ये पूरी दूरी मान लिया a है, ये पूरी दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी होगी और ये दूरी, यानी इस आवेश के कारण a दूरी पर जो बल लगेगा ये प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा, यानी ये बल इस पर जो बल लगाएगा वो कहां लगाएगा, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, ये किस पर बल है, बी पर, बी पर किसके कारण, ए के कारण, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। अब चलो अब ये प्लस के इसके कारण क्या होगा, बल कहीं का होगा, आकर्षण का, दूरी क्या होगी, चलो तो इस पर आकर्षण का होगा, ये इस पे बी पर बल किसके कारण, ओ के कारण, बात समझ में नहीं आई। अब ऐसा चांस है कि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, बात क्लियर है या नहीं है, इस पर भी देखो ऐसे ही होगा, सब बिंदु पर ऐसे ही होगा। चलो इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, ये जितना बल एफ बी ए होगा उतना ही बल एफ बी ओ होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, विपरीत है ही, बताओ फॉर्मूला, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बल क्यू, ये भी क्यू, क्यू क्यू और दूरी ए है, दूरी कौन है, अरे दूरी बताओ क्या होगा, यहाँ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आवेश कितना, इसके कारण निकाल रहा हूँ ना, बी के कारण, बी पर कितना क्यू, ओ पर कितना क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू और बीच की दूरी, बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर हुई या नहीं हुई, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट से वन अपॉन फोर पाई के कैंसिल आउट, एक क्यू से एक छोटा क्यू कैंसिल आउट, यहां क्या बचा, क्यू अपॉन, और यहां क्या बचा, कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर बटा, क्लियर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बोलो क्यू बराबर, और कैपिटल क्यू बराबर, बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई, आ गई नहीं, और चूंकि ये माइनस में लिया है हमने तो आंसर क्या आएगा, बोलो क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, है ना, और कितने आराम से सॉल्व हो गया, हुआ, आगे चले, एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ लास्ट में बस, फिर आज का कोर्स, आज की क्लास को थोड़ा सा बंद करेंगे हम, है ना, आज का सेशन पूरा होगा, आपके दो आर्टिकल हम कराएंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, और चैप्टर की देखो समरी पूरी हो गई ना, इस प्रकार हर चैप्टर की समरी करनी है, वन शॉट करना है, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए होंगे, है ना, ये नहीं हुए, है ना, ऐसी चीज को बार बार घुमाओगे तो चर्चा करोगे तो हो जाएगा काम खत्म। चलो एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर एक वर्ग है, ये वर्ग के विपरीत कोने, ठीक, देखो जी बच्चों तुम्हारे दिमाग में आता हो ना आता हो और मुझे इतना पता है, जब मैं किसी वर्ग की चर्चा करता हूं तो वर्ग की भुजा अगर ए है तो विकर्ण ए अंडर रूट दो होगा, ये बात होनी चाहिए दिमाग में, रहती है ना, कि अगर मैं आगे सवाल ही नहीं पढ़ता वर्ग का,
मैं क्या करता हूँ, वर्ग को दिमाग में रख लेते हैं, ए बी सी डी और ओ, ये मेरे दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है कि वर्ग का क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर वर्ग की भुजा, अगर वर्ग की भुजा को ए है तो जो उसका विकर्ण होगा वो क्या होगा, ए अंडर रूट दो होगा। जब तक ये बात दिमाग में नहीं आएगी सवाल आधा तो खत्म हो गया। आगे क्या कहा, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है, विपरीत कोणों पर, मान लिया ए पर क्यू आवेश रखा है तो सी पर क्यू रखा है, यही तो है, नहीं कैपिटल क्यू है, एक वर्ग के दो विपरीत कोणों पर कैपिटल क्यू आवेश रखा है, दूसरे दो विपरीत कोणों पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, यानी इस पर क्या रखा है, इस पर क्या रखा है स्मॉल क्यू, और इस पर क्या रखा है। आगे क्या कहा, किसी क्यू पर, कैपिटल क्यू पर नेट बल जीरो है तब मान बताओ, ठीक बात समझ में आई, किसी कैपिटल क्यू पर नेट बल जीरो है, मान लीजिए सी पर नेट बल जीरो है, ठीक चलो, इस सी पर किस किस कारण से बल लगेगा ये बताओ पहले मुझे, एक तो बी के कारण, एक डी के कारण और एक ए के कारण, तभी तो होगा। अब देखो सब के आप क्या करें, दिशा देख लो, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक क्या हुआ यहाँ पर, आप भी देखो इस प्लस क्यू के कारण दिशा क्या होगी, इनके बीच बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का, तो इस पर दिशा क्या होगी, ये होगी, होगी दूरी क्या लगेगी, ये कितनी दूरी, ए, और इस बल को क्या कह दूं, सी पर बल बी के कारण, तो क्या कहोगे, एफ सी बी कहोगे या नहीं कहोगे, क्या हुआ, चलो ये भी प्लस, ये भी प्लस और बीच की दूरी ए है, दोनों प्लस प्लस हैं, इनके बीच भी बल प्रतिकर्षण का होगा, इसे क्या कहोगे, एफ सी डी कहोगे, और ये भी प्लस, ये भी प्लस, यहां बल क्या होगा, और इसे क्या कहोगे, ए सी एफ सी ए, बोलो कहोगे या नहीं कहोगे, दिशा देख ली। अब जब इनकी दिशा देख ली हमने तो हम क्या करेंगे, इनकी एक तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इनकी दिशा देख लेंगे बाद में, बात मेरा काम खत्म हो गया भाई। ये दूरी क्या होगी, ए अंडर रूट दो, ये दूरी ए, ये दूरी ए, चलो पहले तीनों की वैल्यू लिख लेता हूँ। बोलो सबसे पहले सी के सी पर बल बी के कारण, एफ सी बी की वैल्यू कितनी होगी, बोलो कितनी होगी, वन अपॉन फोर पाई ऊपर दोनों आवेशों की गुणा, ये आवेश स्मॉल क्यू, ये आवेश कैपिटल क्यू, क्या होगी स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और बीच की दूरी होगी ए, कोई दिक्कत, चलो जी एफ ए सी सी ए बताओ वन अपॉन हाँ क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू और बीच की दूरी ए अंडर रूट दो, चलो इसके कारण क्या होगी, डी के कारण वन अपॉन हाँ स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, बोलो होगी या नहीं होगी, सबकी दिशा देख ली, सबकी क्या देख ली, दिशा देख ली हमने। अब बताओ जरा मुझे कि क्यू बटे क्यू का मान कैसे कैलकुलेट में करूं, इनका परिणामी कैसे कैलकुलेट करूंगा, क्या शाबाश, तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि देखो बच्चों ये दोनों जो हैं इसे अगर मैं के मान लूं, है ना, इसकी मैं बहुत अच्छा बच्चे ने मुझे जवाब दिया है, मैं उसे थोड़ा सा हल्का कर दूं, जो बच्चे ने बताया मुझे ये कैपिटल क्यू स्क्वायर बटे अंडर रूट दो का दो ए स्क्वायर आया, आया नहीं आया, आया। आप देखो इस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि ये मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इस चित्र की तो कोई ज़रूरत मुझे नहीं है तो इस चित्र को तो मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, जो चित्र तुम्हारा है उस चित्र को, इस बिंदु की मुझे बात करनी है ना तीन बलों की, मैं केवल उस चित्र को दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पर मुझे आपका क्या नाम है बेटे, कार्तिक कपासिया, अच्छी बात आपने बताई, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा जवाब और तुम रेगुलर भी रहो। देखो ये इसने कहा इस बिंदु पर बल कौन है, एफ सी डी,
इस पर बल कौन है? एफ सी ए। इस पर कौन है? एफ सी बी। इस बच्चे ने कहा कि ये 45 डिग्री कौन है जी, और ये भी 45 डिग्री कौन है? है, इस वाले बल के घटक कर दो, इस वाले बल के भी घटक कर दो। तो इसके जब घटक करेंगे एफ सी डी के, तो दो घटक होंगे। इस डायरेक्शन में जो घटक आएगा, कोई आया है क्या अवनीश? इसके जो घटक होंगे, जो घटक क्या होगा? एफ सी डी कॉस 45। कौन आएगा? इसके लंबवत एफ सी डी साइन 45। एफ सी डी, ऐसे ही इसके दो घटक होंगे। इधर को क्या होगा घटक? एफ सी बी, एफ सी बी कॉस 45। इसके लंबवत क्या होगा? एफ सी बी साइन 45। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि देखो दोनों वैल्यू बराबर हैं। साइन 45 की वैल्यू दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। अब नेट बल क्या आएगा? ये तीन नेट बल जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक। अगर मैं परिणामी बल की बात करूंगा, अब किसकी बात करूंगा? परिणामी बल की। तो परिणामी बल ये खत्म हो गया सारा कुछ, है ना। अब जो परिणामी बल आएगा वो कितना आया? वो इन तीनों को जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक डायरेक्शन में है, ठीक है जी। कौन कौन परिणामी बल आया यहां पर? अब यहां पर परिणामी बल आया एफ बराबर, बोलो, एफ सी ए, एफ सी ए प्लस एफ सी बी कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस एफ सी डी 1/√2। ये आया है नहीं आया? ठीक। अब अगर मैं इस जो 1/4π ε0 k की वैल्यू है, ये तीनों में आई गई, इस वैल्यू को अगर मैं बड़ा के मान लूँ, तो बड़ा के क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर, इसे कैपिटल के कैपिटल क्यू स्क्वायर बटे 2a² बराबर कैपिटल के क्यू कैपिटल क्यू बटे ए स्क्वायर, तो मान रखना आसान हो जाएगा, ठीक। तो अब परिणामी बल क्या आ गया आपका? नहीं, परिणामी बल तो जीरो है ही, परिणामी बल तो जीरो लाना ही है, बात समझ गए? नहीं। अब आप देखो, इसे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था, है ना। अब देखो, आप देखो, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर हम, बोलो, परिणामी बल कौन? जीरो। एफ सी ए की वैल्यू कौन सी थी? के कैपिटल क्यू स्क्वायर बटा 2a² प्लस, बताओ, एफ सी बी की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/√2 भी आएगा ना, ये रहा, प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर और 1/√2। बोलो, बात समझ में आई सबको? अच्छी लगी क्लियर करके, घटक करके, कोई दिक्कत? बस आपके दो आर्टिकल नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और आपका जो प्रॉब्लम होगी वो हम फिर सॉल्व कर लेंगे। पर ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बड़े लिए हैं, इन्हें कब करेंगे? जब पहले शॉर्ट शॉर्ट मेरिकल हम करना सीख जाएंगे, तो हमें ये बड़े क्वेश्चन भी बड़े नहीं लगेंगे। चलो जी, के कॉमन आ गया सब में, क्यू स्क्वायर सब में कॉमन, ए स्क्वायर सब में कॉमन, हाँ जी, हाँ, क्यू आएगा खाली, ए स्क्वायर आ गया जी, आ गया भाई साहब, बिल्कुल आपकी बात हम मान गए। तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, क्यों जी, है जी, कैपिटल क्यू भी ले लूँ कॉमन, चलो, अब क्या बचेगा यहाँ? क्यू बचेगा अपॉन 2, और यहाँ क्यू कॉमन चला गया, के कॉमन चला गया, स्मॉल क्यू बचेगा अपॉन, और यहाँ भी वही बचेगा, क्यों भैया? यही तो बचा, ये तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ये जीरो है, क्यू बटे 2 प्लस 2 क्यू बटे 2 बराबर जीरो, क्यों भाई? तो यानी क्या आया? क्यू बटे 2 बराबर माइनस 2 क्यू बटे 2, 2 से क्या कटेगा यहाँ से? क्यू बटे 2 बराबर माइनस 2 क्यू, और कैपिटल क्यू बराबर माइनस 2√2 क्यू। और आपको आंसर पूछा था कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का, तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू क्या आया? माइनस 2। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना अब। थैंक यू, कल मिलते हैं शाम को 8 बजे।